ice cream biscuit wala cake. Let's start. Half cup milk powder. Half cup milk. Cocoa powder. 2 tablespoons powder sugar. 2 tablespoons butter. 2 tablespoons strawberry jam. 1/4 cup cream. Half cup sugar. Yummy yummy Oreo biscuit 3 packet. Half liter milk. Oops. My name is Shani. हमें बिस्किट को ग्राइंड करना है. Miss Pooja, will you help me? Sure, Shani. Miss Pooja, इसे ग्राइंड कर दीजिए. Okay, Shani. Shani, आपका बिस्किट पाउडर रेडी है. चेक. हम इसे एक बाउल में डाल लेंगे. इसे कोको पाउडर डालेंगे. हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे. अब हम इसमें बटर डालेंगे. मेल्टेड बटर. आपको बटर मेल्टेड ही लेना है. हम इसके अंदर डालेंगे पाउडर शुगर. अब हम डालेंगे इसमें पाउडर शुगर. पाउडर शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं. इसमें हमने 2 टेबलस्पून डाला है क्योंकि ओरियो बिस्किट की जो क्रीम है वो भी इसके अंदर है. तो अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसमें कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. अब हम इसमें इसको हम इस अब इसमें मिक्स करेंगे. मिस पूजा, आप इसे मिक्स कर दीजिए. श्योर ईशानी. हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है जिससे सारे इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे इसके अंदर मिक्स हो जाएं. और इसके अच्छे से मिक्स होने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे मिल्क. डालिए शानी आप इसमें लिटिल मिल्क. ओह, शी पुट ऑल द मिल्क इनसाइड द इंग्रेडिएंट्स. ओके, वी हैव टू मिक्स ऑल ऑफ देम. हमें इन्हें सबको अच्छे से मिक्स करना है. आपका एक अच्छा सा फाइन पेस्ट हो जाएगा ये जो हमारी जो केक बनेगा, आइसक्रीम केक बनेगा, उसका ये हमारा बेस है. ईशानी, आपका पेस्ट रेडी है. हमारा देखिए पेस्ट बन के रेडी है. थैंक यू. केक वाला. अब हम इसके अंदर डाल लेंगे. आप मुझे ये केक बहुत अच्छा लगता है. आप भी जरूर ट्राई करके देखना. वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना. हमें इसे अच्छे से चारों तरफ फैलाना है, एकदम प्लेन बनाना है इसको. और फिर हम इसे फ्रीज में रखेंगे. पहले हम इसे अच्छे से सेट करना. हम इसे 10 मिनट्स के लिए फ्रीज में रखेंगे. हम आइसक्रीम बनाने के लिए इसे जार डालेंगे. आइसक्रीम बनाने के लिए हम एक जार लेंगे. इसके अंदर आगे आपको ईशानी बताएगी क्या करना है. क्या करना है ईशानी? इसका हमें जैम डाल स्ट्रॉबेरी जैम डालेंगे इसके अंदर. हम स्ट्रॉबेरी जैम डालेंगे. 2 टेबलस्पून. 2 टेबल्स. अब इसके अंदर हम डालेंगे क्रीम. में शुगर डालेंगे. इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा मिल्क. और इसे अच्छे से हमें ग्राइंड करना है. हमारा पेस्ट अच्छे से हमने ग्राइंड कर लिया है. सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए. अब हम इसके अंदर हमारा जो बचा हुआ दूध था वो डालेंगे. और इसे एक स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे. और जो हमने बिस्किट का पेस्ट बना के रखा था हमें उसके ऊपर इसको पोर करना है. और इसे आइसक्रीम बन के रेडी होगी. डाल दिया. अब हम इसको फ्रीजर में रखेंगे. 4 आवर्स के लिए हमें इसे
फ्रीजर में सेट करने के लिए रखना है जिससे हमारी आइसक्रीम जो है वो बन के रेडी हो जाए। 4 घंटे बाद डिपेंड करता है, अगर नहीं जम आइसक्रीम आपके रेडी होती है तो आप इसे थोड़ा और कम ज्यादा चेक कर सकते हैं बीच में। अब हम इसे फ्रीजर में सेट करने के लिए रख देंगे। हमारा केक रेडी है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। 4 घंटे हो गए हैं, हमारा जो केक है वो बन के आप देख सकते हैं पूरी तरह रेडी है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले मैंने ये चॉकलेट ली है, इस चॉकलेट को हमें इसके ऊपर वेट करेंगे अच्छे से। आप डेकोरेशन अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। हमने इसकी चॉकलेट जो है अच्छे से इसको चारों तरफ फैला लिया है, ग्रेट कर लिया है। ये ओरियो बिस्किट्स हैं जो थे, हमने उसकी क्रीम निकाली है, इसे हम अच्छे से कॉर्नर्स पे लगाएंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर क्रीम डालेंगे। ये देखिए हमने क्रीम लगा के इसे डेकोरेट कर लिया है। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी जैम डालेंगे। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। डेकोरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको सेम करना है, आपके खुद के आइडियाज़ हैं वो आप इसमें आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन में। और अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी डेकोरेट कर लीजिएगा, ये भी अच्छा लगेगा। और इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके फैमिली मेम्बर्स को आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा सच आपने देखा है, ईशानी ने आपको बताया कि उसे बहुत यम्मी लगता है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यम्मी यम्मी केक रेडी, प्लीज आप इसे सर्व कर दो। ओके ईशानी। केक रेडी है, आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और अपने व्यूज जो है वो जरूर शेयर कीजिएगा कैसा बना। और नेक्स्ट वीडियो आप किसकी चाहते हैं वो जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब ईशानी टेस्ट करके बताएगी ईशानी को कैसा लगा। ईशानी प्लीज टेस्ट कीजिए। प्लीज यम्मी केक। थैंक यू।